कंसेप्ट समझो क्या है। प्रोग्राम क्या बोला है, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एट ए स्पेसिफाइड पोजिशन। नाउ ये वाला बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी इतना कंसेप्ट नहीं है। पहले यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ बोला है कि भाई एक पोजिशन आपको बताई जाएगी, उस पोजिशन से डिलीट करना है। यहाँ क्या बोला है, आप यहाँ बोलोगे भाई एंटर पोजिशन टू डिलीट, यहाँ पे आप एंटर इनपुट करोगे किसका, पोजिशन का। तो आप क्या बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू डिलीट अ पोजिशन, भाई नंबर मेरा पोजिशन है 3। सो 3 पोजिशन का मतलब नॉट इंडेक्स 3, पोजिशन माइनस 1 इज योर इंडेक्स। हमारे लिए फर्स्ट पोजिशन है, कंप्यूटर के लिए 0 इंडेक्स है। हमारे लिए सेकंड पोजिशन है, कंप्यूटर के लिए 1 है। हमारे लिए थर्ड पोजिशन है, तो अननोन यूजर के लिए थर्ड पोजिशन का मतलब इंडेक्स नंबर 2 है। तो आपको यहाँ कोड क्या लिखना है, राइट, बहुत सिंपल, कि यहाँ से यहाँ ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। व्हाट आई विल बी रिक्वायरिंग आफ्टरवर्ड्स, ये जो पूरा का पूरा एरे है, ठीक है, ये यहाँ से कैसे बदल जाएगा, यहाँ से ये वाली चीज यहाँ से हट जाएगी, 28 नंबर यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे ये ऐसे हो जाना चाहिए, है ना, और फिर ये डिलीट हो जाएगा, ये कम हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर मैंने 3 लिखा तो अब ये इसकी जगह ये आ गया, तो कैसे आएगा, ये आएगा कैसे, तो आपको पोजिशन मिल गई यानी आपको इंडेक्स मिला। तो आपको करना क्या है, लूप इस इंडेक्स से चलाना है, स्टार्ट योर लूप फ्रॉम दिस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से ये दोनों को छोड़ दोगे क्योंकि ये दोनों अनचेंजेबल है, देखो ये दोनों में कुछ किया ही नहीं है, जो भी चेंजेस हुआ इसके बाद हुआ ना। तो आपको करना क्या है, ये वाली वैल्यू इधर लानी है, फिर ये वाली वैल्यू इधर लानी है, 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 और ये वाली वैल्यू इधर लानी है। ऐसे करते 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 ला दिया, और लास्ट में आपकी जो साइज है n, यहाँ 10 है, आपको n माइनस माइनस करना है। जब n माइनस माइनस करोगे तो आपकी साइज क्या हो जाएगी, 9 होगी। तो टेक्निकली हुआ क्या, डिलीट, टेक्निकली डिलीट हुआ, वैसे एक्चुअल में डिलीट हुआ नहीं, समझे ना। कोई सवाल, हेलो,